विकास का भी काम तो नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया है, बाढ़ पर ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो NGO हैं, जय माँ तारा, उनको हम लोग हर तरह से सहूलियत दिया, लेकिन इनके जो मुंशी मैनेजर हैं और कौन इनके हैं, इस तरह का रवैया अपना रहे हैं कि गंदगी का अंबार है और हम लोगों का वार्ड पार्षद का किसी तरह का कोई भी असर नहीं है। जब भी जहां पे कहा जाता है सफाई के लिए, वहां पर दो दिन, चार दिन, आठ दिन के बाद होता है, कचरा निकाल करके नाली का इन लोगों ने कई कई दिन छोड़ देते हैं, कहने के बावजूद भी नहीं उठता है। अगर वार्ड के लोग किसी तरह का शिकायत करते हैं या बोलते हैं तो उनके साथ उनका दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छे रवैया नहीं रहे इनके मुंशी मैनेजर। और आवाम जो है इन लोगों से बहुत परेशान है। हमें तो लगता है कि ये NGO वाले जो हैं, कुछ आदमी को ये रखे हुए हैं, वो जो है कि गुंडा चाटता है, वो अपने आप को रंगदार समझ रहा है। जनता के साथ इनकी रवैया कभी भी ठीक नहीं रहा। छः छः महीना से जाके देखिए, शालीमार रेस्ट हाउस के बगल से लेकर के पीछे चमटोली तक, यहाँ पे देखिए सुल्तान साहब हैं फौजी, वहाँ कई जगह पे ऐसा कचरा का अंबार लगा हुआ है, ऐसा भी NGO का ही जमा किया हुआ जो आज तक हम लोगों को टहलाते रहते हैं। और इनके जिसके हवाले ये NGO किए हुए हैं, खुद तो अमीर जी उतना आते नहीं हैं, जिसके हवाले किए हुए हैं वो तो लगता है कि बहुत बड़ा रंगदार है, इसलिए सिर्फ बात करता है कि मैं नहीं कर रहा है। जाकर के सिटी मैनेजर हैं, कार्यपालक हैं या नगर परिषद के स्टाफ, उनसे पूछा जाए कि हर जगह पे सिर्फ यही बात सब का इस्तेमाल करता है, और मोहल्ला में भी कि मैं गया तो उस अफसर को मारा, मैं गया तो उस अफसर को पीटा, ये लोगों में धौंस जमाना चाहते हैं, ये हर अफसर को सिर्फ पीटने की बात करता है। और जिसके हवाले मैंने वर्षों से कह रहा हूँ, जब से हमारी पत्नी जीती है, कि इस आदमी के हवाले से हटाया जाए, ये जो है NGO को बदनाम करके रख दिया है, और मोहल्ला में किसी भी व्यक्ति का, हमारे जनता का यह बात नहीं सुनता है, और ये रंगदार टाइप का बतियाता है, जैसे लगता है कि कोई गुंडा है। हम कहना यही चाहते हैं, या तो हमारे अंडर में लेबर दिया जाए, नहीं तो नगर परिषद द्वारा खुद हमारे वार्ड को आके सफाई करवाया जाए। NGO जिस भी आदमी को रखे हुए हैं, इस आदमी को हटाएं, ये आदमी अच्छे व्यक्ति नहीं है, इसका सिर्फ ये हमारे साथ जो है गलत रवैया अपना रहा है, और ये भी वार्ड पार्षद है जिसके अंडर में ये दिया हुआ है, और ये कोई भी जीत करके आता है अगल बगल के वार्ड से, उसके साथ इसी तरह का इसका रवैया है, और किसी से इसको आज तक पटरी नहीं खाया। और NGO क्या समझ करके इसको रंगदार समझ के रखे हुए हैं या अपना बराहिल समझ के रखे हुए हैं, ये NGO हमको जवाब दे, नहीं तो नगर परिषद इसके जवाब दे। हम अब हमारा कहना यही है कि हमारी साफ सफाई पर NGO ध्यान दे, हमारे आदमी को चेंज करे, या तो हमारे हवाले करें, नहीं तो नगर परिषद के लोग खुद आ करके करवाएं। ये कोई भी व्यक्ति जिसके हवाले ये किए हुए हैं, उसे हम देखना नहीं मांगते हैं, ना हमारे वार्ड के लोग देखना मांगते हैं, इसलिए कि रवैया इनका ठीक नहीं रहा है। और ये भी एक वार्ड पार्षद है, ये बैठकबाजी करता है, ये हमें बदनाम करने के लिए हर तरह का साजिश रचा है। इससे पहले सुहैल मुस्तफ़ा थे, उनके साथ भी वही किया, आज रिंकू ठेकेदार है, उसके साथ भी वही कर रहा है, 17 नंबर वार्ड वाला के साथ। ये जो है जहानाबाद में आकर के ये गंदगी फैलाने का काम किया है। अगर NGO वाले का ये कोई रंगदार समझ के रखे हैं तो हम उसके बाप हैं, हम किसी रंगदार से डरते उठते नहीं हैं, हम जनता के लिए हैं। और किसी का बुराई करके इंसान महान आदमी नहीं बन सकता है, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, एक अच्छा कर्म करके ही अच्छा साबित कर सकता है अपने आप को। ये आदमी जिसको NGO रखे हुए हैं,
इसे हटाएं, ये बहुत हो चुका है। अब मोहल्ला का बहुत ज़्यादा जो है कि शिकायत आने लगी है, इस पर जो है NGO नहीं तो कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं इस पर ध्यान